बनाने जा रही हूँ मूंगफली की बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी। इसके लिए मैं ये 100 ग्राम मूंगफली को ली हूँ। इसे हमें रोस्ट करना है। गरम हो चुका है, इसमें मूंगफली के दाने को डाल देना है और इसको लगातार स्टर करते हुए इसको अच्छे से भून लेना है। मूंगफली को चलाते हुए भूनना है, इसको स्टर करते रहना है, नहीं तो अंदर से ये ज्यादा जल जाएगा और ये पुट पुट की आवाज इससे आएगी। थोड़ा थोड़ा इसमें क्रैक्स भी आ जाएंगे जिससे पता चलेगा कि ये अच्छे से भून चुका है। आपको किसी किसी में दिख रहा होगा हल्का हल्का मूंगफली में क्रैक्स आ चुके हैं। और इसे चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है, इस तरीके से स्टर करते रहना है। ये अच्छे से भून चुका है। अब मैं इंडक्शन को बंद कर दी हूँ और इसे ठंडा होने के बाद इसका छिलका हटाऊंगी, क्योंकि गर्म में इसे छिलका नहीं हटेगा। मूंगफली से छिलके को हटा ली हूँ और इसे अच्छे से साफ कर ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं ली हूँ 1 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन के कलियों को मैं छील ली हूँ, उसे ली हूँ, और 2 हरा मिर्च ली हूँ। मूंगफली को जार में डाल लेना है और अभी मैं इसमें डालूंगी लहसुन, अदरक और हरा मिर्च। मैं अभी ही इसमें नमक डाल दूंगी। अभी मैं इसमें 1/4 चम्मच छोटी चम्मच से नमक डालना है, क्योंकि इसमें ज्यादा नमक डालिएगा तो बहुत ज्यादा इसमें नमक लगता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको धीरे धीरे पीसूंगा। अगर कम पड़ेगा तो और पानी डाल के पीस लेना है, लेकिन एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है और पीसना है। चटनी मैं एकदम बारीक पीस ली हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। अभी मैं इसे दूसरा बर्तन में डाल दूंगी। मैं तड़का लगाने के लिए मैं गैस पे कलछुल को चढ़ा दी हूँ। इसमें डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल और मैं इसमें डालूंगी राई 1/2 चम्मच। राई पक चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च। इन सबको मिक्स कर लूंगी। अभी मैं चटनी में तड़के लगा दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है चटनी बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।